ओह हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज, आज आप देख रहे होंगे कि हम अपनी स्विफ्ट में बैठे हैं और हम अपनी स्विफ्ट में कहीं जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको टाइटल ने बता दिया होगा कि भाई हम एक गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। अभी अपने मुकुल भाई हैं, मुकुल भाई को हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग ना जानते हो। जो अपने इंस्टाग्राम पे है ना, ये 1,20,000 भाई हैं, इनमें से जो इंस्टाग्राम पे हैं वो मुकुल को जानते होंगे क्योंकि वो मीम्स वगैरह बनाते हैं। हमारे कुछ भाई है उनमें मुकुल को बहुत लिया जाता है भाई। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम उसी मुकुल की, जिसको हम प्यार से मच्छर कहते हैं। तो भाई हम मच्छर की डिलीवरी में जा रहे हैं, मतलब मच्छर है ना भाई गाड़ी ले रहा है। और कौन सी ले रहा है वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। मेरे हिसाब से लोग सस्पेंस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं आई डोंट नो। मैं तो यहीं बता रहा हूँ कि मच्छर ले रहा है भाई आपकी स्कॉर्पियो NZ8 लग्जरी 4x2 डीजल ऑटोमेटिक। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लिया है मच्छर ने भाई। तो आज फाइनली हमें मिल रही है फरीदाबाद में। ये वही फरीदाबाद है भाई जहाँ पे मेरी और प्रथम की भैंसा वैसी हुई थी, और सोचा वहीं पे आज हमको गाड़ी मिल रही है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, चल रहे हैं वहाँ पे फरीदाबाद में जहाँ पे स्कॉर्पियो की डिलीवरी हो रही है। तो चलते हैं भाई। अभी तो मैं अपने दिल्ली वाले घर पे था, तो अभी यहाँ पे अक्षरधाम क्रॉस कर लिया है मैंने। अब यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है ऐसे कलिंदी कुंज की तरफ। अभी आएगा वो लेफ्ट, अभी आया नहीं है वो। तो चल रहे हैं गाइस, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा पूरा प्रोसीजर रहता है, देखभाल कैसी करता है महिंद्रा। हालांकि स्कॉर्पियो की इतनी डिलीवरियां ले ली हमने, बॉक्सर भाई की ले ली, रोहन भाई की ले ली, तीसरी डिलीवरी के लिए आज जा रहा हूं भाई मैं। बाकी इतने भाइयों के भी मैसेज आए हुए थे कि भाई हमारी डिलीवरी में आ जाना भाई। सबकी में जाना पॉसिबल हो नहीं पाता भाइयों, आप समझो। आप दिल से प्रेम करते हो ना, तो मेरी बात दिल से ही समझो कि कोई भाई मुझे जयपुर बुला रहे, कोई कहीं, यार इतना मतलब हो नहीं पाता ना। तो इस वजह से अपने जो आसपास के होते हैं उनमें तो भाई मैं चला ही जाता हूँ। भाई ये सोच रहे होंगे टोल पे कैसे रुक गए यज्ञ भाई। तो यार ये अभी शीशा बदलवाया था ना, ये नया शीशा लगवाया था, तो इसमें फास्टैग नहीं है। तो यहाँ पे ये भाई रोक रहा था फास्टैग, तो मैंने साइड में लगा ली। मैंने कहा यार मेरी पे लगा फास्टैग, मेरी पे नहीं, रुको कैमरा साफ कर लेता हूँ। अरे क्या बात है, अब बनाए बात तो क्लियर। तो भाई मेरी पे फास्ट चेक था नहीं, मैंने सोचा लगवा लेता हूँ। पेटीएम का लगवा रहा हूँ, वैसे सबसे बेस्ट HDFC का होता है। आप लोगों को बता दूँ, अगर आप कभी लगवाओ तो HDFC का लगवाना, पेटीएम वगैरह मत लगवाना। पेटीएम ये कह रहा था ICI का लगवा लो। मैंने ICI का तो जिंदगी में नहीं लगवाऊंगा, फ्री में भी नहीं लगवाऊंगा। तो फिर ये बोल रहा पेटीएम का ले आता, मैंने पेटीएम का फिर भी ठीक है, लेकिन HDFC सबसे बेस्ट होता है भाई। तो HDFC लगवा लेना अगर आपको मौका मिले तो। वो आ रहा भागा भागा। तो गाइस ये आ गई अपनी गाड़ी, ये खड़ी डीप फॉरेस्ट है भाई। ये कलर जो है ग्रीन कलर का, डीप फॉरेस्ट कलर है ये। और ये हम बैठ गए हैं ओनर भाई के साथ। तो मुकुल भाई मुबारक हो आपको भी भाई, आपको भी। मेरी भाई गाड़ी थोड़ी ना है भाई ये, भाई बिल्कुल। मैं तो अभी जनता को बोलता आ रहा था, मैंने कहा जो मीम्स में सबसे ज्यादा दिखे मैंने कहा जो इधर उधर उछलता दिखे मैंने वही है मुकुल। तो भाई कैसे ग्रीन कलर का क्या विचार आ गया दिमाग भाई? ग्रीन कलर का ये विचार आया, पापा ने बोला था कि दिल की इच्छा है ग्रीन कलर ही लेनी है। अच्छा, और एक बात ये भी थी कि ब्लैक मेंटेन नहीं होता, ब्लैक नहीं होता भाई, नहीं व्हाइट में अच्छी लगती। तो ये और बात बाकी है, कलर कोई पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा। ग्रीन कलर ही अच्छा लग रहा बाकी था। जैसे मुकुल भाई अपनी बेल्ट थोड़ी हरियाणा वाली बेल्ट है। हाँ, हाँ। तो स्कॉर्पियो का दबदबा एक है। हाँ, देखो रोड प्रेजेंस और एक होता है ना देसी वाली बात, वो है। वो क्लासिक में आती है, इसमें थोड़ी कम है, तो क्लासिक के लिए क्यों नहीं सोचा? क्लासिक ये था कि वो मैनुअल में थी। ओके, ये वाली जो है क्लासिक है, ये क्लासिक जो है मैनुअल में थी, ऑटोमेटिक में नहीं। ऑटोमेटिक थी स्कॉर्पियो, ऑटोमेटिक थी। हम कई सालों से वेट यूं ही कर रहे थे कि स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक में कब आए। अच्छा, बाकी कितने की पड़ गई है भाई? ये हमें पड़ी है पूरी 25,47,000 रुपए। 25,47 में भाई थोड़ा पैसा डाल के 4x4 की नहीं सोची भाई? थोड़ा पैसा नहीं, वो 3 लाख रुपए ऊपर जा रही थी, 3 लाख रुपए थोड़ा करके तो सीधा फॉर्च नहीं होगा। ठीक बात है। अच्छा, इसलिए 4x2 के लिए गए, 4x2 ऑटोमेटिक डीजल है ये, ऑटोमेटिक डीजल। अरे क्या बात है भाई, कितने किलोमीटर चली हुई है भाई? 93 भाई, ये तो सही है भाई। मतलब लोगों को तो 150-200 किलोमीटर चली मिल रही है, आपको तो फिर भी मतलब 2 डिजिट में ही चली हुई है, ये तो सही है। बाकी सारी PDI वगैरह कर ली थी भाई? अभी गाड़ी में आके बैठा ही हूँ। अच्छा, मतलब सारी इतने में आप कैमरा खोल के बैठे मैं कहा भाई कुछ करवाओ यार, वीडियो बनाओ यार। तो ये चीज है भाई, बाकी ये देख लो। ये नहीं लगता मुकुल भाई थोड़ी सी टिपिकल महिंद्रा की आती है, थोड़ा बदलना चाहिए यार? चाबी को कौन देखे, गाड़ी देखता है वो। तो खैर आपकी बात मान ली मैंने भाई। हाँ। गाड़ी तो अलग ही रोड प्रेजेंस है, जब चलेगी तो मुड़ देखेंगे। हाँ। लेकिन थोड़ा रहता है यार कि चाबी भी भाई, अब धीरे धीरे कर रही है महिंद्रा प्रोग्रेस कर रही है, कर देगी तो। बाकी पड़ोस वाली गाड़ी का क्या ख्याल है, ये नहीं देखी ना?
नहीं, कंफर्ट नहीं देखी ही नहीं, देखी ही नहीं। हमने दूसरा ऑप्शन लिया ही नहीं, स्कॉर्पियो फाइनल, मतलब और कोई शोरूम में भी नहीं गए, सफारी हैरियर कुछ नहीं, नहीं। क्या बात है यार, सीधा लास्ट ऑप्शन स्कॉर्पियो, फर्स्ट एंड लास्ट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और इस गाड़ी से पहले कौन सी चला रहे थे? इस गाड़ी से पहले भाई हमारे पास इटियोस भी है, अर्टिगा भी है और किया भी है। इटियोस भी है, अर्टिगा भी और किया भी है, मतलब तीनों जो गाड़ियां हैं वो उससे ऊपर लेवल की है ये। हाँ। देखो अर्टिगा भी मैच नहीं खाती, इटियोस हाँ, भी हाँ। मैच नहीं खाती और जो वो आपकी किया भी मैच नहीं खाती। सोनेट, सोनेट हाँ, कहीं लोग सेल्टोस सोचे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज है भाई, देख लो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर वगैरह यहाँ पे पूरी, ये देखो पूरी मिल जाएगी। और इसमें वायरलेस चार्जर भी नहीं है, बाकी फीचर्स के बारे में जैसे वायरलेस नहीं है भाई, अब क्या करे, पहले तो इन्हें दिखाया कि है, अब नहीं दिखा रहे तो अब क्या कर सकते हैं। हाँ वो अभी भी है लेकिन 4x4 में है वो, 4x4 में पहले जब टेस्ट ड्राइव चलती थी तो दिखा रहे थे कि इसमें भी है, ये बहुत लोगों की नाराजगी है भाई। बाकी यहाँ पे देख लो सब वूफर वगैरह, मतलब पूरी लोडेड है गाड़ी में, तो कोई भी कमी नहीं है, अब तो बस ये है कि डिलीवरी का वो आ जाए। इसमें आप बता रहे हो मैंने दो कलर ऑप्शन देखे थे, ब्लैक और ये डीप फॉरेस्ट, इसके अलावा कोई कलर भी नहीं देखा आपने? इसके अलावा कोई कलर, बाकी कंपनी कह रहे हो कि ये ले लो और जल्दी मिल जाएगी, कुछ नहीं यही वाला कलर ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, यही दो कलर का ऑप्शन दिया। बाकी ये देखो भाई ने मैचिंग पहन रखी है टी शर्ट कि भाई आज ये गाड़ी लूंगा तो ये टी शर्ट है, बाकी 700 के लिए भी नहीं है, नहीं सोचा ही नहीं है, बताया तो पहला बस आखिरी ऑप्शन स्कॉर्पियो ही लेनी थी, तो ये बात है भाई, ये देख लो कितनी मस्त मस्त लगती है, तभी पहला और आखिरी ऑप्शन यही था। हाँ तो ये चीज है, बाकी अभी तो इसे अंकल लेके जाएंगे मेरे हिसाब से और आप दूसरी लेके जाओगे, तो कोई नहीं, इसको इसकी टेस्ट ड्राइव हमें कब दोगे? जल्दी सून सून डॉट 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 डॉट। तो ये भाई मैनुअल हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है, 6 गियर टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी आती है ये, और ये देखो इतनी कुछ स्पेस, आर्मरेस्ट में तो स्पेस नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें भी नहीं है, तो ये चीज है भाई। बाकी भाई गाड़ी तो मेरी है, इसका कहां इंटरव्यू ले रहे हो भाई? ये भाई हमारे बड़े भाई हैं, दीक्षा भाई, गाड़ी तो भाई एक बार जनता को हेलो कर दो, हेलो ब्रो सबको, हेलो भाई। तो भाई कैसी खुशी हो रही है, मुबारक हो बहुत ज्यादा भाई, स्कॉर्पियो इज माय लव। हाँ आप बता रहे थे एक बार है ना भाई, मैंने इनोवा के साथ रेस करी थी, तो भाई कहते कोई सी गाड़ी की कर ले, स्कॉर्पियो की बेइज्जती मेरे को जब से ही पता है मेरे को भाई, स्कॉर्पियो इज लव, बट इससे ज्यादा जो प्यार प्यार है ना वो क्लासिक से है ब्रो, वो जो वो खड़ी है। अच्छा क्लासिक प्यारी है भाई ये, तो आपने छोटे भाई को कही नहीं क्लासिक के लिए? भाई बोला था पूछ इसके इसके मन में एन फंस रही थी, आपके में क्लासिक, तो अब आप खुश हो ना मतलब इससे, तो ये चीज है भाई, क्लासिक भी आ जाएगी और एक डेढ़ साल बाद, तो ये चीज है भाई। तो ये बड़े भाई थे, आपने मिल लिए इनसे भी, मुकुल से तो आप बात कर ही रहे हो, तो करते हैं भाई अब डिलीवरी, कितनी देर में कह रहे हैं भाई? डिलीवरी कह रहे हैं और 15 मिनट, मतलब ये फूल फाल लगाएंगे इस पे, हाँ। कपड़ा वपड़ा बिछाएंगे, तो चलो भाई 15-20 मिनट, आप तो सीधा डिलीवरी देखोगे, हम 15-20 मिनट टाइम पास कर लेते हैं। तो आ जाओ मुकुल भाई, 90 तो थी यार, बाहर खड़ी थी यार, अरे जनता को दिखाओ ना, कांग्रेचुलेशंस आंटी, अंकल कांग्रेचुलेशंस, मुकुल भाई मुबारक हो आपको भी भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। सारी मासूम सी खुशियाँ चल भूल जाए फासले दरमियाँ, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, तू केक खा तेरी गाड़ी कभी कभी ऐसे ही हो जाए, पर अब तो कुछ ही दिन है, कुछ ही दिन है तेरे हाथ में है सब कुछ। आएगी भाई, आएगी इस हफ्ते आ जाएगी भाई, मेरी गाड़ी इन दोनों के हाथ में है, ये दोनों करवाऊंगे हम 5 तारीख से पहले तेरी गाड़ी घर में खड़ी। हाँ हम तो भाई घर ही पहुँचवा देंगे, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी 4 दिन ले ले, ये लाइट जलाना अंदर की ऊपर वाली, उस वाले बटन को दबा, हाँ बन गई ट्यूब लाइट, ठीक है भाई, ओके बाय बाय, ओके आराम से जाना। पन्ने होते नहीं पूरे, तो ले गए अपनी गाड़ी की डिलीवरी और हम
हम भी जा रहे हैं अब अपने घर, रास्ते में ही है, बस पहुंचने वाला हूँ। तो ध्यान आया, कह रहे वीडियो तो एंड करनी भूल गया, तो अभी वीडियो एंड कर देते हैं भाई। तो यही कुछ वीडियो थी गाइस, देखा आपने पूरा प्रोसीजर महिंद्रा के द्वारा डिलीवरी का, बहुत अच्छा इन्होंने अटेंड करा भाई। और मुकुल की गाड़ी भाई बढ़िया मिल गई, पीडीआई वगैरह सब उसने कर ली थी पहली, और फिर ही उसने गाड़ी ली है, तो बहुत अच्छा था भाई। कलर भी काफ़ी अच्छा है, डीप फॉरेस्ट कहते हैं उस कलर को जो उसने लिया है भाई, तो काफ़ी अच्छा कलर था और अच्छे से डिलीवरी भी हो गई भाई। तो यही कुछ वीडियो थी गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। यहाँ तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।